हेलो दोस्तों दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल इन वन पॉइंट में। दोस्तों देखिए, हम हैं WRD डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ बिहार के ऑफिशियल साइट पे। दोस्तों यहाँ पे जो है आप लोग के लिए एक सुनहरा अवसर है। जो भी यहाँ पे डिप्लोमाधारी कैंडिडेट हैं, उन कैंडिडेट के लिए यहाँ पे लगभग दोस्तों, अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो 500 सीट की यहाँ पे ज़बरदस्त रिक्रूटमेंट आई है जूनियर इंजीनियर की। तो दोस्तों आप हमारे साथ बने रहिए, कोई भी क्वेरी रहती है तो आप नीचे यहाँ पे पूछ सकते हैं। तो दोस्तों आप लोग के लिए जो ये अपडेट है, ये महत्वपूर्ण अपडेट है। आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि आप लोग के सामने जो है मैं ये बहुत अच्छा अच्छा अपडेट यहाँ पे लेकर आता हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं साथियों, हमारे साथ बने रहिए। आप यहाँ पे देख सकते हैं साथियों, ये जो है आपका जल संसाधन विभाग के अंतर्गत आया है, संविदा पर कनीय अभियंता और सैनिक पद, यानी दोस्तों ये सिविल इंजीनियर का पोस्ट है। इस पे नियोजन के हेतु सूचना दिया गया है, यहाँ पे देख सकते हैं। ज्ञापक 10/7/2015 में निहित प्रावधानों के तहत जल संसाधन विभाग के नियोजन बिहार सरकार के सेवानिवृत्त इच्छुक कनीय अभियंता और सैनिक के पोस्ट पे, आप देख सकते हैं दोस्तों, सेवानिवृत्त दिया गया है। इसके बारे में हम आपको यहाँ पे बताते हैं कि ये जो है क्या है। यहाँ पे कोटिवार रिक्ति सबसे पहले यहाँ पे हम जानते हैं दोस्तों, जिसमें कनीय अभियंता के यहाँ देख सकते हैं कुल संख्या 400 है, जिसमें सिविल का ही दोस्तों पोस्ट है। UR में 100 है, अनुसूचित जाति में 80 है, अनुसूचित जनजाति ST में यहाँ पर देख सकते हैं 8 है। उसके बाद दोस्तों अत्यंत पिछड़ा वर्ग में 100 है, पिछड़ा वर्ग में 72 है, और आर्थिक रूप से EWS में दोस्तों 40 है। उसके बाद दोस्तों इसमें अगर हम बात करते हैं तो महिला के लिए जो है ना, अलग से यहाँ पे रिजर्वेशन की बात किया गया है। इसमें सीट इन लोग को अलग कर दिया गया है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पे सिविल से किए हुए हैं, वो कैंडिडेट जो है आप हमको जरूर फिलअप कीजिए, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो है उस बात समझने वाली है, ये दोस्तों ये जो रिक्रूटमेंट है ये राज्य सरकार के अंतर्गत है, जिसमें महिला दिव्यांग पोता पोती फ्रीडम फाइटर का आरक्षण के संबंध में यहाँ पर दिया गया है। तो दोस्तों आप लोग को ये फॉर्म जरूर फिलअप करना है। इसमें दोस्तों अर्हता दिया गया है कि जो कनीय अभियंता है बिहार सरकार से सेवानिवृत्त होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों इसका जो है विज्ञापन जो है ये 2015 के अंतर्गत होगा। इसके पहले दोस्तों यहाँ पे एक बताया गया है कि जो SSC के थ्रू, सॉरी दोस्तों, यहाँ पे BTSC के थ्रू जो रिक्रूटमेंट आई थी वो मामला पेंडिंग है। तो ये जो है BTSC के ही जगह पे जो है, तब तक यहाँ पे आप लोग को यहाँ पे संविदा के आधार पर आप लोग को यहाँ पे रखेगा। और उसके बाद दोस्तों जैसे ही उनका परमानेंट नियुक्ति होती है, उसके बाद दोस्तों आप लोग का ये जो है समाप्त हो जाएगा। या नहीं तो अगर आप संतोष पद सेवा देते हैं तब आपको यहाँ पे जो है एक एक वर्ष के अंतर्गत ये बढ़ते रहेगा, जब तक परमानेंट रिक्रूटमेंट नहीं आती है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, जैसे ही आप लोग का परमानेंट रिक्रूटमेंट होती है उसके बाद विज्ञापन यहाँ पे जो है रद्द किया जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, उनका जो है पदस्थापन होते ही संविदा के नियोजित कर्मी की सेवा स्वतः समाप्त हो जाएगी। जैसे ही वो परमानेंट रिक्रूटमेंट हो जाएगी दोस्तों, तो उनका सेवा यहाँ पे समाप्त हो जाएगा। विज्ञापन रद्द करने के लिए जन संसाधन विभाग सुरक्षित रहेगा। आप लोग जो है इस फॉर्म को फिलअप करके जल संसाधन विभाग पटना सिंचाई विभाग में हाथों हाथ या डाक के माध्यम से भेज सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, आपको ये फॉर्म को फिलअप करना है और अपना जो है यहाँ पे डॉक्यूमेंट लगा के आपको डाक द्वारा भेज सकते हैं। उसके बाद दोस्तों मैं यहाँ पे एक चीज़ आपको दिखाने जा रहा हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं साथियों, जल संसाधन विभाग की तरफ से जो है, जो आपका BTSC में रिक्वायरमेंट आई थी लगभग परमानेंट पोस्ट के लिए, यहाँ पे 2252 पोस्ट के लिए, और यहाँ पे दोस्तों आप लोग के लिए फीमेल के लिए 476, जिसमें 60% जो है 60% रहता था UR के लिए और 40% गवर्नमेंट ऑफ बिहार के लिए। तो दोस्तों ये रिक्वायरमेंट BTSC में पेंडिंग है, ठीक है।
इसी के जगह पे यहाँ पे रिक्रूटमेंट निकाला गया। और दोस्तों आप जो कहते हैं ये कॉन्ट्रैक्ट रिक्रूटमेंट है, ये कॉन्ट्रैक्ट रिक्रूटमेंट नहीं है, ये आप लोग के लिए परमानेंट रिक्रूटमेंट रहने वाली है, क्योंकि BTSC का मामला अभी तक पेंडिंग ही है। और जब तक BTSC का मामला यहाँ पर क्लियर नहीं हो जाती, इनको एम्प्लॉय यहाँ पर नहीं मिलेगा। तो दोस्तों आप लोग जरूर इस फॉर्म को फिलअप कीजिए, क्योंकि आपके लिए जो है ये ज़बरदस्त अपडेट है। ध्यान रखिएगा, आप हमेशा दिमाग में ये लेकर चलिएगा कि बिहार का जो रिक्रूटमेंट होती है, कॉन्ट्रैक्ट जरूर लिखा रहता है, लेकिन पर मंथ पर ईयर जो है यहाँ पे आपका सैलरी में इंक्रीजमेंट होते रहेगा और आपका परमानेंट होने का चांस रहेगा, लिखा हुआ अगर सेटिस्फैक्ट्री पाया जाता है तो। तो आप लोग जरूर फॉर्म को फिलअप कीजिए। होप करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो को पसंद करके लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों में शेयर करिए।